अच्छा जी, अब मैंने अपनी बेलने के बाद रोटी ले ली हाथ पे। आप देख सकते हैं कि मैं एक दफा उसको सारे एजेस से थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच कर लेती हूँ ताकि बहुत अच्छी शेप आए मेरी रोटी की। और अभी ये रोटी हमारी शेप हो चुकी है। अब मैं जाऊंगी तवे के पास। तवे का एक हैंडल है ये, इस हैंडल को मैं सेट कर लेती हूँ। और तवे के हैंडल से मुझे अंदाजा हो जाता है कि तवा कहाँ है एग्जैक्ट, और उस हिसाब से अब मैं अपनी रोटी तवे पे डालूंगी। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, तवे करीब लेके जाके ये मेरी रोटी डल गई है तवे के ऊपर। अब जैसे ही इसकी आंच तेज कर दूंगी, मैं रोटी डालते हुए आंच आहिस्ता कर देती होती हूँ क्योंकि मुझे डर होता है कि मेरे हाथ को एकदम सेक ना लग जाए। इसको जिस तरह सेक लगेगा तो मैं इसकी साइड पलट दूंगी। अभी इसको प्रॉपर सेक नहीं लगा, ये लग रहा है कि जैसे चिपकी हुई है। अगर आप चाहें तो वैसे ऐसे भी इसे दोनों हाथों से पकड़ के दूसरी साइड को भी सेक लगवा सकते हैं।